नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आप ये वीडियो देख रहे हैं 29 तारीख शाम को 6 बजे के करीब का। थोड़ा सा आज को आपको आवाज़ में वो दम नहीं लगेगा जो रोजीना रहता है, क्योंकि कल रात को बहुत तेज़ बुखार आ गया था, सिर में दर्द, जुकाम, खांसी वगैरह। बहुत दिक्कत हो गई थी, इसकी वजह से आपको दम आवाज़ में नहीं दिखेगा। हालांकि ये कोशिश है कि आपको फिर से रोजीना की तरह एक शाम का नज़ारा दिखाया जाए। आज 29 तारीख थी, ऊंट और गाय की प्रतियोगिता का आज समापन हो गया, और समापन के बाद में कल है घोड़ों की प्रतियोगिता, रिंग प्रतियोगिता, जिसका इंतज़ार सभी लोग करते हैं और जिसके लिए ही बल्होत्रा में बहुत सारे लोग आते हैं खाली रिंग देखने के हिसाब से। और अभी आप देख रहे हैं सिंधी घोड़ों की चाल, और एक से एक बेहतरीन घोड़े यहाँ ट्रैक पर दौड़ते हुए। और आज आपको जो भीड़ है वो कल से और भी ज़्यादा दिखाई दे रही होगी, क्योंकि मेरे को लगता है कि रिंग के बाद में ये मेला ख़त्म हो जाएगा, पर इसके बाद में यहाँ पर एक बाज़ार लगता है, मल्लीनाथ जी का जो मेला है, तिलवाड़ा का जो मेला है, यहाँ पर लोग आना और मंदिर में दर्शन करना मेरे को लगता है स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से देख सकते हो आप यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा आज बढ़ा हुआ है। और ट्रैक पर एक से एक बेहतरीन घोड़े परफॉर्मेंस कर रहे हैं और लोगों की भीड़ लगी हुई है। शाम के वक्त में यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके का ही रहता है, और आप देख सकते हैं कि धूल इतनी उड़ती है कि आसमान में आपको धूल ही धूल दिखाई देगी। और जैसा कि आपको बताया था कि उधर का एरिया खाली रहता है, और आज भी उधर का एरिया खाली पड़ा हुआ है, और सिंधी घोड़े इधर की साइड दौड़ रहे हैं दूसरी तरफ में। और ये आप देख सकते हैं, ये इतने सारे सिंधी घोड़े सामने से दौड़ते हुए आ रहे हैं। घोड़ों के जो सवार हैं, सिंधी घोड़ों के जो सवार हैं, जो घोड़ों को ट्रेनिंग देते हैं, वो यहाँ पर घोड़ों को ट्रेंड करते हैं। और यहाँ पर सिंधी घोड़ों की रेस भी होने वाली है, पर उसका पता नहीं है कि वो रेस कब होगी, क्या है। कुछ लोग तो बोल रहे थे कि आज ही होने वाली है, पर अभी मेरे को तो लग नहीं रहा कि आज रेस है। चलो, जब भी होगी रेस कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई तो बिल्कुल आपको कोशिश करेंगे कि आपको पूरा मेला दिखाएं, पूरी रेस दिखाएं। पर इस बार मेला बहुत फीका है, बहुत हल्का है। अगर मैं मारवाड़ी की बात करूं तो लगभग 200-300 के करीब ही मारवाड़ी घोड़े वगैरह आए होंगे, और बच्चे वगैरह अच्छी क्वालिटी की बात करूं तो 50 के लगभग होंगे। कोई ज़्यादा इतना कोई ख़ास नहीं रहा मेला, और जैसा कि आप मेले की वीडियो से समझ ही सकते हो कि कितनी कम मेले की वीडियो आ रही है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेले का जो रुझान है, वो मेला है, वो इस बार किस तरीके का रहा होगा। बाकी मेले में आज बहुत भीड़ है, आप ये देख सकते हो मेरे आगे पीछे सब जगह लोग ही लोग बैठे हुए हैं, ये देख सकते हो आप। बाकी यहाँ सिंधी घोड़े दिखते हुए, बाकी एक से एक खतरनाक सिंधी घोड़ा यहाँ पर दौड़ता हुआ दिखाई देता है। बस फर्क इतना सा, उस घोड़े का नाम नहीं पता रहता, बस एक से एक बेहतरीन, एक से एक विनर घोड़े, इनके सवार इनको यहाँ पर भगाते रहते हैं, इनको प्रैक्टिस करते रहते हैं। बहुत से लोग कह रहे थे टाकी घोड़े के लिए, टाकी घोड़ा अभी यहाँ पर रेस में प्रैक्टिस के लिए उतरा नहीं है। कुछ लोग बता रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उस वजह से अगर वो घोड़ा भी इधर दौड़ेगा तो हम उसका भी वीडियो आपके बना के दिखाएंगे। बाकी जो बाकी के जो घोड़े दौड़ ही रहे हैं उनका वीडियो हम आपको दिखा ही रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं कितनी तादाद में आज लोगों की भीड़ है। और आप ये देख सकते हैं कि मेला कितने लंबे एरिया में लगता है, जहाँ तक आप देख पा रहे हैं यहाँ से देख के, आप देख रहे, कैमरा मैं घुमाता हूँ धीरे धीरे, और आप देख सकते हैं कि ये जो मेला है कितने बड़े एरिया में लगता है। और गर्मी की तो बात मैंने आपको बताई दी, 12 से 4 के बीच में तो ऐसी नहीं गर्मी पड़ती कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब गर्मी में ठंडा पानी पी लेते हैं, उसकी वजह से गला भी बैठ गया है और तबीयत भी ख़राब हो गया है, सिर भी बहुत भारी हो गया है, इस वजह से थोड़ी खांसी वगैरह भी हो गई है, हालांकि वो जल्दी सही हो जाएगा। वीडियो बनाने का मन था नहीं, पर मैंने सोचा क्यों ना आपको आज शाम का नज़ारा, बहुत सारे लोगों की डिमांड रहती है,
तो क्यों ना आपको शाम के नज़ारे का वीडियो भी दिखाया जाए। बाकी इसी तरीके से हम आपको मेले की अपडेट देते रहेंगे। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में।